लड़का बोलता है कि मुझे लड़के जैसा नहीं रहना है, तो इसके बारे में आज मैं बात करूंगा, जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर। कुछ दिन पहले मुझे फोन आया एक लड़के का, करीब करीब 26-27 साल की उम्र। बोले मैं लड़का हूँ, लड़के जैसा दिखता हूँ, मगर मुझे ऐसा लगता है, फीलिंग एक्सपीरियंस, वो लड़की जैसा है। उसको लगता है कि लड़की के कपड़े पहनना, लड़की जैसे हाव भाव करना, लड़कों के साथ में रहना, क्योंकि वो लड़के जैसा है तो उसको लड़कों का जो कंपेनियनशिप है वो उसको अच्छा लगता है, और लड़कों के साथ में इसलिए अच्छा लगता है कि वो मतलब होमोसेक्सुअल नहीं हो, ही इज़ नॉट हैविंग होमोसेक्सुअल रिलेशनशिप, और मतलब उसको ऐसा कोई करने की इच्छा नहीं है, गे नहीं है वो। बोलते कि मेरे को लड़की मैं हूँ ऐसा मुझे लगता है, और मैं लड़की के इसमें अच्छा हूँ ऐसा मुझे लगता है, और अभी वो मुझे बदलने का है। मतलब क्यों बदलने का है, कब से है तुमको? तो बोल रहा था कि भाई ये मुझे बचपन से थोड़ा थोड़ा लग रहा था, मैं अकेले में मेरे बहन के कपड़े पहनता था, फिर कभी बाहर भी कपड़े पहन के आया लोगों के सामने तो भी ज़रा चिढ़ाते थे लोग, तो हंसी मजाक करते थे बचपन में, तो कुछ लगा नहीं। बाद में वो मेरे दिमाग में था, फिर धीरे 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 जैसी उम्र बढ़ते गई और वो 14-15 साल का हो गया, तब उसका वो ज़्यादा ही बढ़ने लगा आकर्षण लड़कों के तरफ। उसने कभी लड़कों के साथ में होमोसेक्सुअल रिलेशनशिप किया नहीं, क्योंकि उसको मालूम है कि वो लड़का है और उसको फीलिंग लड़की जैसा है। अब बोलता है कि मेरे ऊपर प्रेशर आ रहा है घर के लोगों का कि भाई तू अभी शादी कर, और मुझे लगता है कि अभी मैं शादी कैसे करूं, मुझे तो लड़की जैसा लगता है और मैं शादी कैसे करूं। उसको सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब मूछ है, दाढ़ी है, कांख में जांग में बाल है, आवाज़ लड़के जैसा है, मगर वो बोलना चालना उसकी स्टाइल वो लड़की जैसी है, और वो लोग चिढ़ाते फिर अभी कि तू लड़की है, और वो भी उसको बदलने का है। इसको बोलते हैं जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर और जेंडर डिस्फोरिया। इसका मतलब यह है कि आपको जन्म के समय जो लिंग असाइन किया हुआ है कि तू लड़की है या लड़का है ऐसा बोला जाता है, तभी वो दिखने में लड़का है, मगर अभी जो असाइन किया था सेक्स कि वो लड़का है, ऐसा सेक्स असाइन किया था, सबने उसको लड़का माना था, मगर अंदर से उसको लड़की जैसा लग रहा है, और उसको अभी तक मजा आ रहा था, मगर अभी प्रेशर जो है उससे और बाकी उसको भी लगता है कि अभी नहीं, मैंने ये ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसी ज़िंदगी ठीक नहीं है, तो अभी उसको लड़के जैसा फीलिंग होना है, और उसके लिए फ़ोन आया था। अब यह महाकठिन काम है, क्योंकि उसके लिए बोले मेरे को दवाई होना, मतलब दवाई नहीं रहती इसके लिए, कौन सी दवाई दूँ मैं? ये कोई ऑब्सेशन नहीं कि बार 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 वो विचार आ रहा है, ऐसा कोई ऑब्सेशन नहीं था उसको। मैंने अभी अपन देखेंगे, बात करेंगे, और उसके पास में 2-3 सीटिंग मैंने किए, उसकी बहुत ही तीव्र इच्छा दिखी कि नहीं मैंने लड़के जैसे ही रहना है, मतलब लड़का करके रहना है, अभी मुझे वो बंद करना है, मतलब वो जो फीलिंग है वो बनना है, मुझे शादी करना है। तो फिर मैंने ठीक है अपन काउंसलिंग करते हैं। क्या होता है कि ब्रेन पैटर्न्स बन जाते हैं, और ब्रेन पैटर्न एक बार बन गए तो इतने पक्के हो जाते वो, जैसे कहते शराबी के है, स्मोकर के है, कि ब्रेन पैटर्न बन जाते, एडिक्शन हो जाता है, और इतने वो ब्रेन पैटर्न होते हैं पक्के कि फिर वो जाती नहीं है, वैसे ये ब्रेन पैटर्न इसके बन गए। यूजुअली ये जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर ये बचपन से शुरू हो जाती है, और इसका कारण पक्का कुछ भी नहीं है। ऐसा बोला जाता है कि इसका कारण सेक्स अब्यूज़, मतलब बच्चों के ऊपर अति प्रसंग कर लिया, सेक्स के लिए उसको मजबूर कर लिया, सेक्स किया किसने, करवा के लिया या चिढ़ाया या ऐसे कुछ भी, मतलब ऐसा स्पेसिफिक फैक्टर नहीं है कि वो फैक्टर से ऐसा होता है, ना कोई हार्मोनल उसका कॉज है। फिर इसका इलाज क्या है? इसका इलाज ये है कि समझो उसको ऐसा लगता है कि नहीं मैं लड़की जैसा हूँ और उसमें मैं खुश हूँ, तो फिर उसको सर्जरी करनी पड़ेगी, ऑपरेशन करना पड़ेगा और लड़की बनना पड़ेगा। फिर उसके लिए हार्मोनल ट्रीटमेंट है, सर्जरी है, और वो करके वो लड़की बन सकता है, मगर इसको नहीं चाहिए था तो फिर सवाल नहीं आता। ये बोल के नहीं मेरे को लड़का ही रहना है, फीलिंग लड़की का है। तो फिर अभी उसको मैंने बोला कि अपन काउंसिलिंग करेंगे, हिप्नोथेरेपी करेंगे, क्योंकि ब्रेन पैटर्न को तोड़ना है तो जो एखादे पत्थर के ऊपर, पत्थर को पानी से तोड़ना है वैसा होगा, मगर जैसा पत्थर भी पानी का बूंद ड्रॉप 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 एक ही जगह पे डालते हैं तो हो सकता है कि पत्थर भी टूट जाएगा एक ही जगह पे, यदि बूंद 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 पानी पड़ता है तो वैसा ही है, बार बार हैमरिंग करते हैं ब्रेन के ऊपर, ब्रेन पैटर्न्स के ऊपर, सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर, तो हो सकता है फ़ायदा होगा। मैं बोला करके देखेंगे क्या होता है, तो क्योंकि अदरवाइज वो बोले कि मैं तो सुसाइड कर लूँगा, मैं तो भी जीऊँगा ही नहीं, मुझे तो अभी वो ऐसा जीना ही नहीं है। मतलब ये चालू कैसे हो गया, ये आज कैसे क्या, मतलब आज मतलब अभी 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 कैसा लग रहा है कि नहीं अभी मेरे को लड़के जैसा रहना है? बोले नहीं मेरे को अभी 5-6 महीने से ऐसा लग रहा है कि अभी मैंने वो
जो लड़की का फीलिंग है उसमें मैं एंजॉय कर रहा था, अभी वो नहीं करना है, मुझे लड़के जैसा ही रहना है। ठीक है, देखते हैं, कुछ हार्मोनल ट्रीटमेंट करके देखते हैं, फ़ायदा होगा नहीं होगा मेरे को मालूम नहीं, मगर स्टडीज़ जो है वो ऐसा बोलती है कि ये रेयरली इसका फ़ायदा होता है, रेयरली, बहुत कम है कि फ़ायदा होगा। कोशिश करना तो अपना काम ही है, लोगों को खुश करना, लोगों को आनंद देना। लोग जो प्रॉब्लम लेके मेरे पास में आए, फिर होमोसेक्सुअल व्यक्ति भी प्रॉब्लम लेके मेरे पास में आता है, वो उससे नाखुश है, उसको बदलने का है, बोलता मेरी मदद करो, वो ऐसा बोलते ना, क्राई फॉर हेल्प, ही इज़ क्राइंग फॉर हेल्प, कि नहीं वो रो रहा है कि मुझे मुझे मदद करो। वो लिख के देने को तैयार है, बोलता कि मैं स्टैम्प पेपर लिख के देने को तैयार हूँ कि मुझे भी ऐसा नहीं रहना है, ना मुझे होमोसेक्सुअल रहना है, ना मुझे जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर करके जो बीमारी उसमें रहना है, मुझे तो अभी नॉर्मल जीना है, बाकी लोग जी रहे वैसा। तो फिर उसके लिए मदद करना तो एक डॉक्टर करके मेरा काम ही है। उसके बाद में काफ़ी मैंने सेशन चालू किए और डेफिनेटली उसको फ़ायदा हो जाएगा। जो आपको अच्छा लगा जो लोगों को शेयर करो, बहुत सारे लोग हैं कि जिनको अभी इस तरह का चेंज, मानसिक चेंज उनका जरूरी है, उनको लगता है कि जरूरी करना है करके, मगर कर नहीं पाते, हो सकता है फ़ायदा हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।